एक दूसरा सवाल ले रहा हूँ। दूसरी शादी करने पर फर्स्ट वाइफ को जहनी टेंशन होती है, तो क्या इस्लाम में दूसरी शादी उस टाइम पे कर सकते हैं जब फर्स्ट वाइफ प्रेग्नेंट हो? ऐसी सूरत हाँ, में आप दो इसके दो क्या पहलू हैं बोलेंगे? असल में। पहली देख देखिए, दो जी पहलू हैं उसके। ये इस तरह के मामलात में बहुत उलझा होते हैं, बहुत पहलूदार होते हैं। बीवी को टेंशन होता है तो बीवी को देखिए, एक होती है फितरी गैरत, वो हर औरत के अंदर होती है, वो होनी चाहिए। वो नहीं होगी तो प्रॉब्लम है। यानी अगर मैं दूसरी जी शादी कर रहा हूँ, मेरी पहली बीवी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो मुझे तो फिर टेंशन हो जाना चाहिए भाई कि मेरी पहली बीवी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है मेरी दूसरी शादी पे। तो जहाँ मोहब्बत है वहां गैरत होनी होती है, होनी चाहिए। फितरी गैरत अच्छी चीज है, उससे एक शौहर के लिए खुशी की भी बात होती है कि उसकी बीवी को गैरत आ रही है दूसरी औरत को सोच करके। तो ये अगर ये गैरत औरत के दिल से निकल जाए तो दूसरी शादी का लुत्फ जिंदगी से निकल जाएगा। फितरी गैरत अपने आप पे ठीक है। तो हमारे मुआशरे के अंदर जो औरत हद से ज्यादा गैरत होती है ना, वो असल में फितरी गैरत नहीं है। वो हमारी हिंदू मुआशरे में रहने के नतीजे में पैदा हुई है। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, काफिरों के बीच में रहते हैं, जो एक से ज्यादा शादियां नहीं करते हैं। तो क्योंकि उनके यहाँ नहीं करते हैं, तो हमारे यहाँ अगर कोई कर ले, बल्कि हमारे यहाँ मुसलमान भी बड़ी तादाद में नहीं करते हैं। तो अगर जब कोई नहीं कर रहा है और एक आदमी बेचारा जुरत से फैसला लेता है कि उसे करना है, तो वो औरत जो है ना, वो जरूरत से ज्यादा गैरत महसूस करती है। जरूरत से ज्यादा जो गैरत है ना, वो फितरी गैरत नहीं है भाई। हर जमाने में अल्लाह के नबी हसन के जमाने में, मतलब लोग, ये मुझसे मोहब्बत नहीं है इसलिए दूसरी शादी की। क्या अल्लाह के नबी को हजरत आयशा से मोहब्बत नहीं थी? बस हजरत आयशा के बाद अल्लाह के नबी ने कितनी सारी शादियां की, 7-8-10 शादियां की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हफ्सा से मोहब्बत थी, हजरत सफिया से मोहब्बत थी, उसके बाद भी शादी की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये जो एक बयानिया बना दिया जाता है ना कि बीवी को इसलिए टेंशन है कि उसको लगता है शौहर दूसरी शादी कर रहा है, मतलब पहली वाली से उसको मोहब्बत नहीं, तो उसको लेकर के टेंशन में हो जाती है। या बाज मरतबा ये कि मेरी मुझको छोड़ ना देंगे, मुझको मेरे बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे, जायदाद तकसीम हो जाएगी, ये सारे वसाविस के साथ जो गैरत आती है और इसकी वजह से जो टेंशन होता है। तो पहली बात तो औरत को अपने उस टेंशन का इलाज करना चाहिए। शौहर को अल्लाह ताला ने जो हक दिया है, आपका हक नहीं शौहर दे रहा है किसी को, आपका हक नहीं दे रहा शौहर किसी। शौहर दूसरी शादी करता है तो बीवी बोलती है मेरा हक उसको दे दिया, नहीं, आपका हक ये जो है आपको दे रहा है। अगर आपके खाने में, खर्चे में, रिहाइश में कोई कमी कर रहा है, बारियों की तकसीम में कोई नाइंसाफी कर रहा है, तो गोया कि आपका हक दे रहा है वो। बाकी तो ये जो टेंशन है, इसका इलाज औरत को करना चाहिए अगर उसको हो रहा है तो। ये इसका एक पहलू है। दूसरा पहलू यह है कि भाई शौहर को अगर पता है कि मेरी बीवी को टेंशन हो जाता है बहुत ज्यादा, तो थोड़ा सा सब्र कर ले। कम से कम प्रेगनेंसी के मौके पर अगर उसको लग रहा है उसकी बीवी उस टेंशन का इलाज नहीं कर पा रही है, तो थोड़ा सा सब्र कर ले और थोड़े दिन बाद शादी करे, बेहतर उसके लिए है। भाई शरीयत ने उसको हुक्म क्योंकि इजाजत दी है, तो हम मना तो नहीं कर सकते। यहाँ पे भी रिकमेंडेशन वाली ही बात होगी कि हम रिकमेंड यही जी करेंगे कि भाई ऐसी सूरत हाल में, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में औरत के जहनी तनाव का बुरा असर उसके बच्चों पे पड़ता है, तो कम से कम अपने बच्चे के लिए और अपनी बीवी के लिए, वो उसको हार्मोन्स औरत के बहुत चेंज हो रहे होते हैं और बहुत सारे मसाइल का ऑलरेडी वो शिकार होती होती है, एक बहुत पेन से गुजर रही होती है ऑलरेडी वो, तो उसको एक और तकलीफ ना दे उस वक्त, उस मरहले के लिए वो रुक जाए, फिर जब अल्लाह ताला उसको तौफीक दे तब कर ले। और मेरे ख्याल से अगर कोई बीवी अच्छा इतना कन्विंस करेगी तो शौहर नहीं करेगा वो। अगर औरत ये बोल देगी ठीक है आप प्रेगनेंसी की बात कर लो, तो शौहर के तो वैसे बातें खुल जाएगी, वो नहीं करेगा। अगर औरत बोल देगी यहाँ बाद में कर लेना।